Dear friends, tricky sentence hai correction ke liye. Let's have a look at it. I hoped that by the time I would have got there, it would have stopped raining. अब इसके sentence की तीन clauses को हम note करते हैं और फिर इसके लिए एक precedent देखेंगे एक authentic book से और फिर इसको correct करेंगे. इसकी एक clause है I hoped, simple past में है और by the time I have got there, एक क्लॉज ये है हमारे पास जो टाइम क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज है और टाइम क्लॉज है डिपेंडेंट में और ये है वुड हैव वाली क्लॉज इट वुड हैव स्टॉप्ड रेनिंग. अब इसको हमने समझना इस तरह से है कि वुड हैव के साथ हमने टाइम क्लॉज किस टेंस में देनी है. तो इसके लिए प्रेसिडेंट देखिए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बुक का नाम है और बाय एजे थॉम्पसन ऑथर है. हम देखते हैं इसने एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है आई होप्ड. उसके बाद वो कहता है कि दैट आपके पास ऑप्शनल है आपका दिल चाहे आप लगा लें आपका दिल चाहे इसको ओमिट कर दें. तो इसमें मैं ये सजेशन देता हूं जब एग्जामिनर ने दैट लिखा हुआ है तो जबरदस्ती उसको ओमिट ना करें वो करेक्ट है. इसके बाद वुड हैव वाली क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब उसने इस्तेमाल की है आई होप्ड दैट ही वुड हैव फिनिश्ड. Point to be noted, would have के साथ उसने third form इस्तेमाल किया और would have plus third form के साथ उसने time clause ये देखिए ये time clause है before we got back. Would have के साथ time clause उसने simple past में दी है second form of the verb इस्तेमाल की है. So इस structure से हमें पता चला कि would have के साथ जब हमारे पास time clause आएगी तो उसमें हमने simple past इस्तेमाल करना है. Let's go back to the sentence. तो इसको आप करेक्ट करते हैं ये हमारे पास वुड हैव वाली क्लॉज है ये ठीक है इट वुड हैव स्टॉप्ड रेनिंग यहां तक ठीक है. सिर्फ जो टाइम क्लॉज है इसका हमने वर्ब ठीक करना है इसको सिंपल पास्ट में लेके जाना है. विल से बाय द टाइम आई वुड हैव को कट कर दें बाय द टाइम आई गॉट देयर इट वुड हैव स्टॉप्ड रेनिंग. तो कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा आई होप दैट बाय द टाइम आई गॉट देयर इट वुड हैव स्टॉप्ड रेनिंग. मुझे ये उम्मीद थी कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो बारिश खत्म हो चुकी होगी. नाउ योर सेंटेंसेस गुड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.